एवरीवन, दिस इज मोशु एंड दिस इज सुमित एंड वेलकम टू आवर चैनल एस्केप विद एमएस। तो अभी हम आए हुए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे कैसे आना है, यहाँ कौन से मंदिर है और आपका खर्चा कितना आएगा। और आज है श्रावण का पहला सोमवार, तो हम जा रहे हैं अभी पुण्य करने और आपको सारा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप बहुत ही आसानी से उज्जैन मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। यहां सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उज्जैन जंक्शन, और देश भर के कई बड़े छोटे शहरों से आपको यहां के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से मंदिर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, जो कि आप ऑटो से 20 रुपए देकर पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का, जो उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। इंदौर से उज्जैन आप बस, प्राइवेट टैक्सी और बाइक रेंट करके भी आ सकते हैं। उज्जैन में स्टे के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आप होटल महाकाल रोड पे ही लेना, ताकि मंदिर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़े। हमने मानसरोवर गेस्ट हाउस में स्टे किया था, जो कि हर सिद्धि माता टेम्पल के पास था, और हमारा स्टे बहुत ही प्लेजेंट था। यहाँ पे होटल्स आपको 1500 से 3000 पर नाइट के टैरिफ में मिल जाएगी। जैसे हम सावन के महीने में आए थे, सो वी पेड अ लिटिल बिट हायर। मंदिर के बाहर आप महाकाल टीका भी लगा सकते हैं, बेसिकली चंदन लगाते हैं जिससे कि ठंडक बनी रहती है। महाकाल की नगरी में आकर हम महाकाल के रंग में रंगने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस, अभी हम हैं महाकाल के द्वार, बड़े गणेश जी के मंदिर के सामने। महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आपके पास तीन तरह के रास्ते हैं। एक है जनरल रास्ता, जहाँ पे सारे लोग जाते हैं और बहुत रश होता है। दूसरा, आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 250 रुपए, और उसका टिकट यहाँ पे मेरे पीछे आपको मिल जाएगा। ये बड़े गणेश जी मंदिर के पास ही है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और ये टिकट ले सकते हैं। और जो तीसरा टिकट है वो है गर्भगृह दर्शन का, जहाँ पे आप खुद अंदर जा सकते हैं और शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन श्रावण का महीना होने के कारण वो गर्भगृह दर्शन अभी बंद है, तो आपको उसका टिकट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर आकर 250 रुपए का टिकट ले सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मेरी मानो आप नए नए हो तो ऑनलाइन टिकट भी आप ले सकते हो, महाकालेश्वर.nic.in में आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। आप वहां से टिकट करके आ जाओ, यहाँ पे लाइन पे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अंदर चले जाओगे और 20 से 25 मिनट के आपके दर्शन हो जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बाहर निकल के आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। अगर आप सावन के महीने के अलावा आते हैं तो जल अभिषेक करने का टाइमिंग होता है सुबह 8 से 12 बजे तक, और चार्जेस है सिंगल टिकट के 1000 रुपीज़ और दो टिकट्स के 1500 रुपीज़। ये दोनों टिकट्स आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक महीने पहले से ही टिकट कर लें। जल अभिषेक करने के लिए ड्रेस कोड होता है, जो कि पुरुष के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी। ये ड्रेस आपको मंदिर प्रशासन के तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके 30 डेज पहले बुकिंग करना होगा, जिसके चार्जेस हैं 200 रुपीज। भस्म आरती के ऑफलाइन टिकट्स आपको भारत माता मंदिर के बाहर बने टिकट काउंटर से ले सकते हैं, जिसका टिकट आपको दर्शन के एक दिन पहले अपना ID शो करके लेना होगा। भस्म आरती टिकट्स काउंटर पे सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में ही मिलती है, पर ध्यान रहे हर दिन बहुत ही लिमिटेड टिकट्स इशू होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग लाइन पे लगे हुए होते हैं। भस्म आरती के टाइमिंग होते हैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। पूरे विश्व में इकलौते दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप यहाँ परिसर में बने हुए बाकी मंदिर, जैसे कि श्री ओमकारेश्वर मंदिर, सिद्धि विनायक गणेश मंदिर और नवग्रह मंदिर भी दर्शन करें। हर हर महादेव। तो गाइस, हमने हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिया है। महाकालेश्वर के दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए, यहाँ तक कि हमने वहाँ पे आरती का भी दर्शन कर लिया। आरती हो रहा था जब हम पहुंचे। बाकी अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है।
एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप ऑनलाइन 250 रुपए वाली टिकट करते हो तो मेक श्योर करें कि आप उसका प्रिंटआउट निकाल के लाए, क्योंकि यहाँ पे अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो फिर आपको घूमना पड़ेगा जाकर दुकान से प्रिंटआउट निकाल के फिर मंदिर पे आना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें आप जब घर से आ रहे हो तो टिकट का प्रिंटआउट निकाल के आए। बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं दर्शन करने भैरव बाबा नाथ की, वहाँ पे आपको सारा कुछ बताते हैं, तो चलिए। उज्जैन में आप ऑटो बुक करके भी सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ये सारे मंदिर 8-9 किलोमीटर के रेडियस में बना हुआ है और ऑटो में 500-600 रुपीस देके आप सारे मंदिर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं काल भैरव नाथ जी के दर्शन करने। ये कृष्णा नदी के पास बसा हुआ है और उज्जैन में जहाँ महाकाल जी को यहाँ का राजा माना जाता है, वैसे ही काल भैरव नाथ को यहाँ का सेनापति माना जाता है। ये मंदिर भी 1000 साल पुराना है और अगर उज्जैन में आप महाकाल का दर्शन करते हैं तो उसके बाद भैरव नाथ का दर्शन करने के बाद ही आपका यात्रा सफल होता है। चलिए दर्शन करते आते हैं। गाइस, जैसे कि उज्जैन को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो अभी हम आए हुए हैं मंगलनाथ मंदिर में। यह मंगलनाथ जी का दुनिया का एक ही मात्र मंदिर है और इसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना गया है। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो आप यहाँ पर आकर पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण पूजा करके देते हैं, उनकी कोई दक्षिणा होती है और आपके सारे रुके हुए काम आपके हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो आप भी आकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने। जैसे कि हम सबको पता है, महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है और प्रथा के अनुसार सावन महीने के हर सोमवार राजा अपने प्रजाओं के सुख दुख की जानकारी लेने के लिए अपने महल जो कि मंदिर है वहां से निकलते हैं और पूरे उज्जैन की यात्रा करते हैं। प्रशासन की माने तो सावन के सोमवार को यहां 7-8 लाख भक्तों की भीड़ होती है और हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें भगवान के इतने करीब से दर्शन मिले। हर हर महादेव। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं हर्षिति माता मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ उज्जैन में हर रोज शाम को 7 बजे यहाँ पे 100 दीपों को उज्जैन किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक दीप जल है जहाँ पे ये पूरा जलाया जाता है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। और ये मान्यता है कि यहाँ पे माँ पार्वती जी के कंधे की स्थापना की गई है, तो ये जगह आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। Thank you.
महाकालेश्वर टेम्पल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है विच इज साउथ फेसिंग एंड इट सिग्निफाइज लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ एंड इसीलिए यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ लगी रहती है। इसलिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर में नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया है विच शोकेसेस ब्यूटिफुल आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज। इस कॉरिडोर के पाथ में 108 पिलर्स है जो दर्शाता है शिव जी के आनंद तांडव स्वरूप को एंड अराउंड 180 स्टैचूज ऑफ गॉड आर इंस्टॉल्ड इन द पाथ। हम लोग वापस आ चुके हैं उज्जैन से इंदौर। कल हमारा यहीं से बस है टू पुणे। ये जो होटल है इस होटल का नाम है होटल ब्लू विंग्स। इस होटल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से जो बस स्टॉप है जहाँ से आपको उज्जैन ओंकारेश्वर या पुणे जाने वाले सब बस मिलते हैं वो बस स्टॉप यहाँ से हार्डली 300 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग आराम से चल के आ जा रहे हैं। ये होटल बहुत ही स्पेशियस है एंड इसका सारा डिटेल्स इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इंदौर आ रहे हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बाकी आज का जो दर्शन हुआ हमारा उज्जैन टेम्पल में वो बहुत ही हार्ट टचिंग था क्योंकि हम लोग जब भी जाके पहुंचे तभी वहाँ पे आरती शुरू हो गया एंड वो इतना अच्छा लगा देख के, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा दर्शन हो गया। हाँ, आज सावन महीने का पहला सोमवार था तो भीड़ तो बहुत ज्यादा थी लेकिन दर्शन हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। तो वो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइए और अगर आप ओंकारेश्वर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि आप यहाँ से ओंकारेश्वर कैसे गए और क्या कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए कीप अप करते हैं।